हेलो, आप सब कैसे हैं मेरे नर्सिंग स्टूडेंट एंड नर्सिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेके आई हूँ नर्सिंग का एक पार्ट 3। जो भी एक टॉपिक था, क्या टॉपिक था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को प्री ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट लेके आई हूँ पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को क्या क्या केयर दिया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं और किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो चलते हैं, हम मिलते हैं अपने नोटबुक के साथ में। पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन के बाद में जो पेशेंट को केयर करी जाती है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो केयर मॉनिटर यानी कि जो मॉनिटर से क्या क्या केयर करनी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि पेशेंट को देखना है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है, यानी कितना वो समझ पा रहा है, कितना कॉन्शियस है, कितना अनकॉन्शियस है, उसको हमें चेक करना है। सेकेंड नंबर स्किन कलर, स्किन कलर देखनी है कि पिंक कलर है या येलोइश कलर है या ब्लूइश कलर है, यानी कि उस या पेल है, स्किन कलर को हमें चेक करना है। एंड और देखना है हमें सर्जिकल ड्रेसिंग ब्लीडिंग, यानी कि जो सर्जिकल ड्रेसिंग हुई थी उसमें ब्लीडिंग है कि नहीं है, या है तो कितने लेवल की ब्लीडिंग है, वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन सच एज सुपाइन पोजीशन, यानी कि हमें सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को देनी है जिसमें से पेशेंट कंफर्ट महसूस करे, उसे लगे कि हमें इस मतलब इस तरीके से लेटने में आराम मिल रहा है, उसको उस तरीके से पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए सच एज सुपाइन पोजीशन। जैसे कि सुपाइन पोजीशन यानी कि जैसे एकदम से जो सीधा लेटता है पीठ के बल, उसको बोलते सुपाइन पोजीशन। तो पेशेंट को सर्जिकल के बाद में हमेशा स्पाइन पोजीशन ही दिलवानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चेक फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि पेशेंट का फ्लूड चेक कर लेना चाहिए कि 24 आवरली उसका कितना चल रहा था और कितना चलना है, और उसकी इलेक्ट्रो बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कितना मेंटेन है, वो सारा हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, यानी कि उसको आउटपुट इनटेक चार्ट मेंटेन करना चाहिए, यानी कि उसको हमने कितना खाने पीने के लिए जो भी फ्लूड और लिक्विड डाइट प्रोवाइड कर देते हैं वो मेंटेन करना चाहिए। एंड जो भी हम फ्लूड चढ़ाते हैं जैसे कि NH, RL, DNS, ये सब उसको मेंटेन करना चाहिए। एंड आउटपुट आउटपुट उसका कितना निकल रहा है, यूरिन आउटपुट, यानी कि चार्टिंग करते रहना चाहिए कि कितना हमने खाली करवाया है। एंड नेक्स्ट आपको क्या केयर देनी है, व्हेन पेसिस्टल्सिस साउंड हार्ट देन गिवेन सिप्स ऑफ वाटर, यानी कि जो हार्ट साउंड है उसको चेक करना चाहिए एंड उसको मतलब कि सिप्स ऑफ वाटर दिलवाना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, पेशेंट इनकरेज टू डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को समझाना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले एंड कि कफिंग एक्सरसाइज करे, इससे कफिंग एक्सरसाइज होती है एंड जो भी लंबे समय के लिए प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, उससे हम बच सकते हैं डीप ब्रीथ लेने से। एंड नेक्स्ट क्या है, पेशेंट हाइजीन इज टू बी मेंटेन प्रॉपरली, पेशेंट की साफ सफाई को मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, जैसे उसके हेयर केयर, नेल केयर, बैक केयर यानी कि ETC, ये सारी चीजें उसको मेंटेन में रखनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, कवर दी पेशेंट विद बेडशीट, मतलब पेशेंट को बेडशीट से कवर करके रखना चाहिए, यानी हमेशा उसे ढक के रखना चाहिए पेशेंट को। एंड नेक्स्ट क्या है, असिस्ट दी वाइटल साइन every 6 आवरली, यानी हर 6 घंटे बाद पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना चाहिए, BP, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन आदि। एंड नेक्स्ट क्या है कि दी ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड, यानी कि पेशेंट की जो ड्रेसिंग है उसको चेंज करते रहना चाहिए हर दूसरे दिन में। एंड नेक्स्ट क्या है, मेंटेन पेशेंट यूरिन एंड स्टूल एलिमिनेशन स्टेटस, पेशेंट का जो भी यूरिन एंड स्टूल का एलिमिनेशन स्टेटस है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। पेशेंट से पूछना चाहिए कि उसका हार्ड स्टूल आ रहा है या साफ सॉफ्ट आ रहा है, या उसे नहीं स्टूल पास हो रहा है, यूरिन पास, तो उसके लिए हम डॉक्टर्स को बोल सकते हैं एंड उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू बी पेशेंट, यानी कि पेशेंट को हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए
कि आप अच्छे हो जाओगे, घबराइए नहीं, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि इस तरीके से उसे सपोर्ट देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंटरटेनमेंट थेरेपी प्रोवाइड, यानी कि पेशेंट को इंटरटेनमेंट थेरेपी भी दिलानी चाहिए, जैसे कि टीवी जिस रूम में है उस रूम में उसका देख लेना चाहिए, टीवी खराब तो नहीं है, उसमें रिचार्ज है या नहीं है, एंड न्यूज पेपर, ये सब उसके इंटरटेनमेंट के लिए चीजें होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली को समझाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, क्या क्या अबाउट हाइजीन, साफ सफाई के बारे में, एंड बैलेंस डाइट और डाइट के बारे में, एंड कंटिन्यू ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ लोग होते हैं जैसे ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा सा सही हो जाते हैं, फिर वो बीच में बंद कर देते हैं, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलाना चाहिए जब तक कि पूरा ट्रीटमेंट ना हो जाए। एंड क्या है, रेगुलर चेकअप, और हमें टाइमली चेकअप करवाते रहना चाहिए रेगुलर। एंड नेक्स्ट क्या, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि उसको प्रॉपर रेस्ट, आराम लेना चाहिए, एंड उसको पूरी नींद लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। तो ये था पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि पेशेंट को इस तरीके से ख्याल रखा जाता है, इस तरीके से उसकी देखभाल करी जाती है, और पेशेंट को जब डिस्चार्ज होता है तो घर में भी कई सारे चीज़ों का मतलब उसको देखभाल करना पड़ता है और कई सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, तो वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को लाती रहूंगी, मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।